नमस्कार, आकाशवाणी पुणे से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह ने कहा है कि द्वीप समूह में बालिकाओं की साक्षरता 100% किए जाने के लिए प्रयास हो। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय परिसर में स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों के लिए नोडल सेंटर का शुभारंभ हुआ है। प्रादेशिक सेना की 121 इन्फेंट्री बटालियन में भर्ती होने जा रही है। बोर्ड की परीक्षाओं के विद्यार्थियों को परामर्श देने के लिए अंचल स्तरीय समिति की गठन किया गया है और INS जरवा में आयोजित रक्तदान शिविर में 100 से अधिक जवानों ने रक्तदान किया। समाचारों के साथ मैं दिनेश कुमार सिंह। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह ने कहा है कि अंडमान निकोबार प्रशासन इस बात की कोशिश करेगा कि बालिकाओं की साक्षरता 100% हो जाए। उन्होंने बताया कि द्वीप समूह में लिंग अनुपात देश के अन्य राज्यों से बेहतर है। वे कल राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस पर राज्य समाज कल्याण बोर्ड की ओर से जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को व्यापक पैमाने पर पहुंचाने की जरूरत है। राज्य समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष श्रीमती रत्ना कन्नन ने अपने स्वागत संबोधन में बालिका शिशु दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने किशोरियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दी। श्रीमती कन्नन ने प्रधानमंत्री के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर भी चर्चा की। जिला और सत्र न्यायालय की अधिवक्ता सुश्री भुवनेश्वरी देवी ने प्रतिभागियों को बालिका शिशु से संबंधित कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। दसवीं कक्षा की छात्रा कुमारी शेरिन ने किशोरियों से जुड़े विषयों पर चर्चा की। कुमारी शबनम हामिर ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में शारीरिक रूप से अक्षम श्रीमती लीना तिर्की ने बेहतरीन गीत प्रस्तुत किया। इसके अलावा महिला मंडल रांची कॉलोनी की ओर से समूह गान भी पेश किया गया। सांसद विष्णु पदवे ने द्वीपवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में नोडल सेंटर का उद्घाटन किया। इस केंद्र पर स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे और उन पर आगे की कार्रवाई शुरू होगी। इस मौके पर सांसद ने कहा कि 6 महीने बाद प्रगति की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने बताया कि चेन्नई और कोलकाता के अस्पतालों को पैनल में शामिल करने के लिए प्रयास जारी है। श्री विष्णु पदवे ने कहा कि बाद में लाभार्थी मरीजों की पारिवारिक वार्षिक आय की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का प्रयास किया जाएगा। सांसद ने बताया कि स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पात्र मरीज संस्तुत अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का उपचार करवा सकेगा। उद्घाटन अवसर पर स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर एस के पॉल भी मौजूद थे। स्वास्थ्य बीमा योजना इस वर्ष 26 जनवरी से लागू हो चुकी है। प्रादेशिक सेना की 121 इन्फेंट्री बटालियन गढ़वाल राइफल्स में भर्ती होने जा रही है। इस भर्ती के लिए सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर राज्यों के उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं। द्वीप प्रशासन के हवाले से जारी विज्ञप्ति के अनुसार यह भर्ती अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में पासीघाट हवाई अड्डे के पास स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित होगी। 2 मार्च को अरुणाचल प्रदेश और असम के निवासी उम्मीदवारों की भर्ती होगी, जबकि 3 मार्च को सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। 4 और 5 मार्च को चुने गए उम्मीदवारों का चिकित्सा परीक्षण और साक्षात्कार होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पोर्टल से सुन रहे हैं।